For more videos, please subscribe, like and share. करवा चौथ व्रत। हर साल कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ रखा जाता है। इसे महिलाओं का खास पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। महिलाएं साल भर इस व्रत की प्रतीक्षा करती हैं, जोर शोर से इस दिन की तैयारियां करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरकी गाकर की जाती है। यह इस व्रत का रिवाज भी है और महिलाओं के लिए अच्छा भी, ताकि करवा चौथ वाले दिन महिलाओं के शरीर में एनर्जी बनी रहे। अगर पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना है तो निर्जल व्रत रख पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन चीजों के बारे में जिन्हें सरगी में शामिल करने से करवा चौथ वाले दिन भूख और प्यास नियंत्रित रहे, वो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है दूध से बनी मिठाई। सरगी में दूध से बनी कोई मिठाई जैसे सेवई, खीर या रबड़ी को जरूर शामिल करना चाहिए। दूध में भरपूर प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर में एनर्जी को मेंटेन रखता है, इसलिए दूध से बनी कोई चीज जरूर खानी चाहिए। कुछ ना समझ में आए तो एक गिलास दूध ही पी लेना चाहिए। इसके बाद आती है बारी ड्राई फ्रूट्स की। व्रत रखने से पहले ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, काजू आदि को जरूर खाएं। ये शरीर में दिन भर की एनर्जी को स्टोर करने का काम करेंगे और शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखेंगे। इससे दिन भर पेट भरा हुआ महसूस होगा और शरीर में एनर्जी भी रहेगी। इसके बाद बारी आती है खिचड़ी या मल्टी ग्रेन चपाती की। पौष्टिक आहार के तौर पर खिचड़ी, वेजिटेबल उपमा या पोहा लिया जा सकता है, या सब्जी के साथ मल्टी ग्रेन चपाती भी खाई जा सकती है। इससे शरीर को पोषण मिलेगा और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। लेकिन कोई भी फ्राई चीज खाने से बचें, वरना प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। इसके बाद बारी आती है फलों की। फल जल्दी पच जरूर जाते हैं, लेकिन ये काफी मिनरल्स देते हैं, जिनके सहारे करवा चौथ का दिन बगैर कुछ खाए पिए भी आसानी से व्यतीत किया जा सकता है। फलों में केला, पपीता, अनार, बेरीज, सेब जैसे फलों को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है नारियल पानी की। नारियल पानी पोषक तत्वों का खजाना होता है। व्रत वाले दिन पानी नहीं पी सकते, इसलिए सूर्योदय से पहले नारियल पानी पीना चाहिए। इससे शरीर को पोषण भी मिलेगा और प्यास भी कंट्रोल होगी। हैप्पी करवा चौथ।